हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिषा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस आई एम रमेश निशाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास टेन सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट टू रीडिंग बी एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस एंड वीडियो लेक्चर वी विल सी समरी ऑफ द लेशन ये जो कविता है एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज एंड एक्सक्यूजेज यानी बहाने 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 ये लिखा गया है गैरेथ ओ के द्वारा मीन्स ये जो कविता है ये कविता बहाने के संदर्भ में है यानी ह्यूमर से ओत प्रोत है इस लेसन में हम देखेंगे कि एक जो लड़का रहता है एक स्टूडेंट रहता है वो टीचर के सामने कैसे ढेर सारे बहाने बनाता जाता है ताकि वो अपने जो काम है अपना जो काम है उससे वो बच जाए इट मीन्स यहाँ पे बहाने को बताया गया है एंड देन एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेस ताकि वो अपने काम से बचा रहे वो होमवर्क ना करे एजुकेशन से जो फिजिकल एजुकेशन है उससे वो बचा रहे सो so, ये कविता है हास्य से ओतप्रोत सो लेट्स स्टार्ट लेट अगेन बैंक एंड शॉप वाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम नॉट माई सर सो so, यहाँ पे जो टीचर है वो लड़के को कहते हैं क्या कहते हैं लेट अगेन फिर से देरी हो गई बैंकन शॉप एक लड़के का नाम है बैंकन शॉप सो so, वो टीचर जो है वो कहते हैं बैंकन शॉप आज फिर से लेट हो गए वाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम इस समय क्या बहाना है सो so, जो टीचर है वो कहते हैं क्योंकि वो जो लड़का रहता है वो बार बार बहाने करता ही रहता है सो so, उनके जो टीचर है वो पूछते हैं कि आज क्या बहाना लेकर के आया हूँ तो वो जो लड़का है वो कहता है नॉट माय फॉल्ट सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर फॉल्ट मीन्स होता है कोई गलती या कोई कमी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है तो जो टीचर है वो पूछते हैं हुज फॉल्ट इज इट देन तब किसकी गलती है फिर सो so, टीचर जो है ऐसा पूछते हैं हुज मीन्स किसकी सो so, वो जो लड़का है वो आगे कहता है ग्रैंड सर ग्रैंड वो जो लड़का है वो कहता है ग्रैंड की गलती है सर यानी ग्रैंड की गलती है वाट डिड सी डू जो टीचर है वो बोलते हैं ग्रैंड व्हाट वाट डिट सी डू उसने क्या किया है जो टीचर है वो लड़के से पूछता है पूछते हैं सो so, जो लड़का है वो कहता है सी डाइट सर उनकी डेथ हो गई वो स्वर्गवासी हो गई है डाइ उनकी डेथ हो गई जो टीचर है वो आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं वो मर गई सो so, आगे जो है लड़का फिर कहता है सीज सीरियसली डेड ऑल राइट सर वो सीरियसली वो उनकी डेथ हो गई सर वो जो लड़का है वो कहता है इस बार मैं बहाने नहीं कर रहा हूँ उनकी डेथ हो ही गई है सीरियसली हो गई रियली हो गई है That makes four grandmothers. This term टर्म बैंकन शॉप ऑल ऑन पी ड पी मीन्स होता है फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा तो जो टीचर है वो कहते हैं कि इस बार भी तुम्हारे ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तुम्हारी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई इट मीन्स तुम्हारी मीन्स वो बोल रहे हैं कि इस बार चौथी बार तुम्हारी ग्रैंड माँ की मौत हो गई क्योंकि वो जो लड़का है वो बार बार बहाने करता है तो ऐसा करते करते वो ये चौथी बार थी और चौथी बार उनकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई ऐसा वो बहाना करता है सो so, वो जो टीचर है वो पूछते हैं और ये जो डेथ होती है वो ज़्यादातर उसी दिन होती है यानी पी के दिन में यानी फिज़िकल एजुकेशन के दिन में आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर अब जो लड़का है वो बोलता है मैं जानता हूँ सर ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है अपसेटिंग मीन परेशान करने वाली हाउ मनी ग्रैंड ग्रैंड मार्ज हैव यू गॉड बेंगन सॉप सो जो टीचर है वो फिर पूछते हैं इस बार तुम बता रहे हो ये चौथी बार है ग्रैंड माँ की डेथ हो गई इट मीन्स तुम्हारे कितने ग्रैंड माँ हैं तो यहाँ पर पूछ रहे हैं हाउ मेनी ग्रैंड मार्ज हैव यू गॉड बैंकन शॉप सो जो लड़का है वो बोलता है कि नन सर एक भी नहीं है सर इट मीन्स वो क्या कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ अब एक भी नहीं है मीन्स वो बहाने करते करते आ रहा था एक बार दो बार तीन बार ये चौथी बार थी अब चौथी बार ये सारी घटना होने के बाद वो लड़का जो है जब जब टीचर जो है पूछते हैं कि तुम्हारे कितने ग्रैंड माँ हैं तो लड़का सिंपली जवाब देता है अब एक भी नहीं है सर नन सर यू सैड यू हैड फॉर तुमने कहा था तुम्हारी चार ग्रैंड माँ हैं तो वो जो लड़का है वो फिर कह देता है आल डेट सर सबकी डेथ हो गई सर इस तरह से वो फिर से बहाना कर देता है आगे एंड व्हाट अबाउट यर्स्टरडे बैंगन शॉप अब जो टीचर है वो पूछते हैं कल के बारे में क्या था यानी व्हाट अबाउट यस्टरडे कल के विषय में क्या था बैंगन शॉप जो तो जो लड़का है वो कहता है वाट अबाउट यस्टरडे सर कल के बारे में क्या सर वो उल्टा और सर से पूछता है यू वर एबसेंट यस्टरडे जो टीचर है वो याद दिलाते हैं कि तुम कल एब्सेंट थे तुम अनुपस्थित थे स्कूल में दैट वॉज द डेंटिस्ट सर अब वो फिर से बहाना करता है वो डेंटिस्ट की वजह से था सर अब फिर जो सर है वो फिर बोलेंगे द डेंटिस्ट डाइट क्या डेंटिस्ट की डेथ हो गई तब वो जो लड़का फिर बोलता है नो no, सर माई टीट सर नहीं सर मेरा दांत सर अब यू मिस अब जो सर है टीचर है वो बोलते हैं कि तुमने मैथ्स की मैथ्स का जो टेस्ट है मैथ्स की जो परीक्षा है उसको तुमने मिस कर दिया आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट सर अब वो जो लड़का बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं देख लूंगा सर आगे मैं देख लूंगा उस एग्जाम को तो ये जो लड़का है वो फिर से बहाना कर देता है लो हम देख लेंगे ऐसा करके राइट लाइन अप फॉर पीई अब जो सर है वो बोलते हैं ठीक है अब लाइन अप हो जाओ यानी एक पंक्तिबद्ध हो जाओ पीई के लिए यानी फिजिकल एजुकेशन के लिए अब वो जो लड़का है अब फिजिकल फिजिकल एजुकेशन के लिए अब इनको पंक्ति में खड़े होने के लिए बोला जाता है तब ये लड़का फिर से क्या बहाना पड़ता है फिर से क्या बहाना करता है कान सर मैं नहीं कर सकता सर अब फिर से वो प्रॉब्लम बताना स्टार्ट कर देता है नो no, सर मैं ऐसा नहीं कर सकता सर अब जो टीचर है वो बोलते हैं देर इज़ नो सच वर्ड एज कान बैंक शॉप अब जो टीचर है वो कहते हैं कि यहाँ पे नो no वर्ड बोलने के लिए नहीं कर सकता सर ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कोई बहाना नहीं है सो so, वो जो लड़का बोलता है नो किट सर अब वो फिर से नया बहाना खोज लेता है कि सर मेरे पास किट नहीं है यानी कि पी करने के लिए जो किट होता है ड्रेसेस होते हैं वो उसके पास नहीं है अब वो लड़का फिर से बहाना कर दिया अब जो टीचर वो पूछते हैं वेर इज़ इट तुम्हारे किट कहाँ है अब वो बोलता है होम सर सर मे मेरा जो किट है वो मेरे घर में है होम में है अब जो टीचर वो है वो पूछते हैं वाट इज़ इट डूइंग इट होम अब तुम्हारा जो किट है वो घर में क्या कर रहा है जैसे जनरली हम पूछ देते हैं ना कि तुम जैसे घर में रखे हो तो क्या वो सोना दे रहा है या अंडे दे रहा है इट मीन्स ऐसा तो वो तुम्हारे घर में क्या कर रहा है टीचर जो है पूछते हैं तो लड़का बोलता है नॉट आयरन सर आयरन मीन्स प्रेस करना सो so, जो टीचर है जब पूछते हैं तो लड़का क्या माना करता है कि मेरे जो ड्रेस है वो आयरन नहीं किया हुआ है इट मीन्स प्रेस नहीं हुआ है इस्तरे नहीं किया हुआ है यू आयरन इट अब जो सर है वो बोलते हैं क्या तुम आयरन नहीं कर सके इसे यानी क्या तुम इसे प्रेस नहीं कर सके अब जो लड़का बोलता है कान सर नहीं कर सकता सर मैं अपने ड्रेस को प्रेस नहीं कर सकता सर अब जो टीचर है फिर से बोलते हैं वाई नॉट तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते फिर लड़का बोलता है बैड हैंड सर बैड हैंड मीन्स होता है मेरा जो हाथ है वो खराब हो गया है मीन्स कोई प्रॉब्लम है फिर हु यूजली डज इट जनरली यूजली सामान्यता कौन करता था ये काम यानी जो प्रेस करने का जो काम है वो कौन करता था या कौन करता है ये जो टीचर है वो पूछते हैं कि जनरली पहले जब प्रेस होता प्रेस करते थे तब कौन करते थे या कौन करते हैं अभी हु यूजअली डज इट यानी सामान्यता कौन करते हैं तो वो लड़का बोलता है ग्रैंड माँ सर मीन्स सर मेरी जो ग्रैंड माँ वो यूजअली करती है अब वाई कूडेंट सी डू इट अब जो टीचर है वो बोलते हैं कि उन्होंने इस बार तुम्हारे जो कपड़े हैं तुम्हारे जो ड्रेस है उन्हें वो प्रेस क्यों नहीं की क्यों नहीं की या क्यों नहीं कर सकी तो जो लड़का है फिर से सिंपली जवाब देता है डेड सर मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हो गई है तो वो कैसे प्रेस करेंगी सो इस तरह से ये जो लड़का है वो एक बहाने के बाद दूसरे बहाने फिर तीसरे बहाने चौथे बहाने इस तरह से ढेर सारे बहाने बनाता रहता है जो कि ह्यूमर से ओतप्रोत है ह्यूमर से भरा हुआ है इसीलिए इस लेशन का नाम पड़ा है इस कविता का नाम है एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज एंड एक्सक्यूजेज सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन थैंक यू